देखिए चलिए क्वेश्चन ठीक नंबर फर्स्ट पढ़िए। अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है। कहाँ गया ये? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ठीक ना, ये रेगुलर हेक्सागन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज। ठीक ना, यानी कि जिसकी छह भुजा बराबर होती है ना, रेगुलर हेक्सागन टुवार्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स, बाकी के जो 5 एंगुलर पॉइंट्स है उसके एलोंग लग रहे हैं। टेकन इन ए ऑर्डर, टेकन इन ए ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि ऐसा कहा गया है आपको कि कोई रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, इसके 6 भुजाएं होती हैं, सब के सब बराबर होता है। ठीक ना, तो कोई एक पॉइंट को अगर आप कंसीडर कर लें तो इस पॉइंट के बाकी के जो 5 एंगल दिख रहे हैं ना, 5 कॉर्नर, 1 2 3 4 5, इसके एलोंग्स जो है ना ये फोर्सेस लग रहे हैं। कितना? 1 2 3 4 5, 5 फोर्सेस। तो पहला आप इसके एलोंग लगा दीजिए जो कि है हमारा कितना, 20 न्यूटन। दूसरा आप इसके एलोंग लगा दीजिए जो कि है हमारा कितना, 30 न्यूटन। और तीसरा जो है इसी तरीके से इसके एलोंग, चौथा इसके एलोंग और पांचवा इसके एलोंग। ठीक ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आपको इस पे। अब तो देख चुके हैं ना कि 20 30 40 50 60 है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, बोर्ड चेंज कर लेते हैं। बोर्ड ये ठीक लग रहा है, ब्लैक रखें। ठीक है, आ जाइए, ब्लैक आ जाता है, अभी ठीक है ना। तो हमने कहा कि रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन इसमें आएगा, हेक्सागन कहाँ नहीं आएगा भाई, नहीं हेक्सागन नहीं आएगा। तो आइए हम बना देते हैं हेक्सागन, है ना, ये है हमारा हेक्सागन, अब वो भी रेगुलर हेक्सागन, सब बराबर है, बड़ा छोटा दिख रहा होगा उसको दिमाग टेंशन में मत लेना। देखिए अलग अलग कलर से हम फोर्सेस को दर्शा रहे हैं। ये पहला कॉर्नर की ओर लगा कितना, 20 न्यूटन। दूसरा कॉर्नर की ओर हम लगा देते हैं येलो से, ये लगा दिए 30 न्यूटन। तीसरे पे लगा देते हैं, ये हमने लगाया, थोड़ा सा नीचे चला गया, ये है हमारा 40 न्यूटन। और एक कह रहा है आपका 50 न्यूटन, ठीक है, और एक और है आपका कितना, अब तो कलर ही खत्म हो गया, वही है, दो दो चार गो हो गया, रेड वाला चूज कर लिए। ये जो है से आपका 60 न्यूटन। ये हुआ, आप लोग को पता होगा कि रेगुलर हेक्सागन में अगर दो एक साइड से अगर किसी पॉइंट पे अगर एंगल बनाता हुआ देखें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये टोटल आपका 120 डिग्री होता है, तो ये सब इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सब का साइड जो है से सेम सेम है। तो ये जो है से आपका, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। रेगुलर हेक्सागन में ये जो साइड्स होते हैं ना सब बराबर होते हैं, सब सारे साइड्स जो से बराबर होते हैं, तो एंगल भी आपका जो एंगुलर आपका पोजीशन होगा सबका सेम सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल पता हो गया आपको, ये डायरेक्शन जनरली हम लोग इसको समझते हैं कौन सा, एक्स वाला डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन हम लोग समझते हैं वाई वाला डायरेक्शन, यही समझते हैं और इसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना।
हम लोग को पता है कि जब इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे लग रहे होते हैं कंकरेंट टाइप सा, तो उस तरह के फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई को काउंट करते हैं हम लोग, है ना। तो आते हैं सिग्मा एफ एक्स लेकर के चलते हैं, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, ये हमारा रिजल्टेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन और रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, बाद में उसको हम लोग स्क्वायर रूट लेकर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ये वाला मेथड हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे थे, एक्स के डायरेक्शन में पहले देखते हैं, ये 20 न्यूटन जो है ना इसका एक्स और वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो आप देख रहे हैं कि 20 न्यूटन टोटली के टोटली जो है आपका किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 न्यूटन, वो भी प्लस साइन के साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 30 न्यूटन के ऊपर आए, ठीक है, इसका अगर वाई कंपोनेंट 20 न्यूटन का देखोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन में कुछ है ये नहीं है, ठीक ना। अगर 30 न्यूटन को आए तो 30 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में भी होगा और वाई के डायरेक्शन में भी होगा, ठीक ना। तो कितना होगा, तो देखिए किसे ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको हमने बोला था कि से आप जो है दोनों तरफ लिख लीजिए फोर्स का वैल्यू 30 न्यूटन 30 न्यूटन, ठीक है, हमने लिख लिया। ये एंगल बन रहा है किससे, एक्स एक्सिस से, कितना बन रहा है तो 30 डिग्री, तो जिससे एंगल बनता है उसके तरफ आप कॉस में लिखते हैं, ठीक ना, यानी 30 न्यूटन cos 30 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री, यानी कि इधर आपने कॉस में रखा तो बाई के तरफ आपको साइन में रखना मजबूरी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन अगर नीचे की ओर झुकाएंगे तो इधर की ओर जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स को इंडिकेट करेगा, और ऊपर की ओर अगर मोड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स को इंडिकेट करेगा, इसीलिए दोनों के सामने हम प्लस साइन रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 40 को देखें तो 40 जो है हमारा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 ये और 30 ये 60 हो गया, है ना, एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री के एंगल पे है, तो हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री यहाँ पे और 40 डिग्री यहाँ पे, एक्स एक्सिस से बन रहा है कितना 60 डिग्री, तो हम इसको एक्स के साथ कॉस में डाल देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पे डाल देते हैं साइन में 60 डिग्री, क्लियर है। अच्छा, अब प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि यहाँ से अगर इसको इधर की ओर करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स को इंडिकेट करेगा, और इधर की ओर मोड़ेंगे ऊपर की ओर जाएगा जो कि पॉजिटिव वाई को इंडिकेट करेगा, तो अभी भी दोनों पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, ये हुई बातें। अब देखिए अभी हमने सिर्फ ये देख रहे, अगर एक यहाँ पे ट्रिक का भी काम कर जाता है कि अगर आपने एक्स एक्सिस से सिर्फ एंगल देखा है तो फिर डायरेक्शन आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव एक्स से डायरेक्ट एंगल देख रहे हैं तो डायरेक्शन के बारे में सोचने की उतना जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आते हैं उसी तरीके से 50 न्यूटन के ऊपर, तब इसमें भी लिखते हैं 50 न्यूटन और इसमें भी लिखते हैं 50 न्यूटन, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर किसे ये एंगल कितना बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना 30 30 30, यानी कि 30 90, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, कॉस के साथ, तो हम यहाँ पे लगा दिए कॉस 90 और यहाँ पे लगा दिए साइन 90, है ना। और देखिए चूंकि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल मेजरमेंट किए हैं तो दोनों को हम साइन पॉजिटिव दे रहे हैं, इस धीरे धीरे जो है इस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाएंगे कि से जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजरमेंट की गई है तो डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ही डालेंगे हमेशा, ठीक ना, डायरेक्शन हमेशा आप पॉजिटिव डालेंगे, ठीक है। अब जो है फिर से हम लोग क्या करते हैं, हमारा 50 डिग्री का भी काम सॉर्ट आउट हो चुका है, अब आते हैं 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो कितना बना रहा होगा, तो 30 12 यानी 120 डिग्री बना रहा होगा, तो पहले तो हम लिख लेंगे उसको 60 60 दोनों तरफ, है ना। और अब जो बात यह है कि हम लोग इसको भी पॉजिटिव डाल रहे हैं, ठीक ना, इसको भी पॉजिटिव डाल रहे हैं, एंगल जो है से हम लेंगे 120 डिग्री, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 120 बना रहा था तो कॉस 120 हो गया, और इसी के अपोजिट में साइन 120 यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, जो माइनस आना होगा आ जाएगा खुद ब खुद,
ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन को कंसीडर किया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हमने एंगल को कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो उस केस में आपको इसके डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है, ठीक ना। अब जो है इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना करके देख लीजिए एक बार, एक वाइस आप लोग भी सब कोई कर लीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं सो भी, क्योंकि सबका मैच करेगा तभी जो है आंसर सही होगा। दस प्लस पंद्रह रूट थ्री आना चाहिए सबको, दस प्लस पंद्रह रूट थ्री न्यूटन, इसको अगर आप पॉइंट में चेंज करेंगे तो 35.98 35.98076211 न्यूटन आएगा, ठीक है, इतना जो है आपका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसका वाई का तो हम भी कर रहे हैं ना, कर थर्टी इसका वैल्यू आ रहा है 151.602504, इतना न्यूटन जो है आपका वाई के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक ना। 122 वाले अभी थोड़ा सा डाउट में है, एक्स का 122 कैसे आ गया, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, इतना ना, वही तो 151.602504 न्यूटन आ रहा है वाई का, और एक्स का तो आपका 35.98076211 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर में आपका कुछ मिस्टेक होगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो, सकता है कि डिग्री में ना दे करके रेडियन में वैल्यू ले रहा हो, है ना, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये दो वैल्यू हमको आ चुका है, अब जो ऐसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है हमारा रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स आपका आया है 35.98076211 का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का जो वैल्यू आया है 151.602504 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका वैल्यू आया रिजल्टेंट का, जो कि अगर हम इसको करें तो देखिए ये आ जाता है 35.98076211 का स्क्वायर प्लस 151
इसकी वैल्यू आ रही है 155.8138168 न्यूटन, ये जो है से आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरे कैलकुलेटर ने बताया है, ठीक है। एक्स वाई उतना मेरा नहीं आ रहा है सर, तो देखिए एक्स वाई अगर उतना नहीं आ रहा है तो गलत आ रहा होगा, आप कैलकुलेटर एक बार फिर से चेक कर लें, ऊपर में आर लिखा हुआ होगा, ठीक है, ऊपर में आर लिखा हुआ होगा, देखिए किसी का आया भी है, सोनल कुमारी का आया है सही आंसर, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, ये रिजल्टेंट हमारा आ चुका है। अब हम लोग इसके डायरेक्शंस के ऊपर आते हैं। इस केस में जब आप कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन भी हम लोग एक्स एक्सिस से ही बताएंगे, यानी कि उसका एंगल निकाल करके बताएंगे, ठीक है, मेरा सही है, चलिए बढ़िया है, जिनका सही है उनका बढ़िया है, जिनका सही नहीं है वो गलत है। टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स, ठीक ना, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए सिग्मा एफ वाई हमारा कितना आया, तो 151.6025404 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 35.98076211। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू आपका आ रहा है 4.21343377, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है, हाँ 4.21 ऐसा करके वैल्यू आएगा। और यहाँ से जब आप अल्फा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो टेन इनवर्स ये वाला वैल्यू डाल दीजिए 4.21343377, ठीक है, तो ये फाइनल जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में आएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर 76.64 ये वैल्यू आ रहा है आपका 76.64866895, इतना डिग्री, लगभग 76.7 कर सकते हैं उसको, है ना, इतना जो है आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये इतना डिग्री पर आपका रिजल्टेंट फोर्स लाई करेगा। तो हम लोग अब फाइनल आंसर जब लिख रहे होंगे ना, जब आप इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, देयरफोर द रिजल्टेंट इज कितना है, तो 155.8138168 न्यूटन एंड इट मेक्स एन एंगल 76.64866895 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये इतना एंगल बना रहा है, ठीक है, हाँ लक्ष्मी का भी सही है, लगभग सबका सही एंगल आ रहा है, चलिए
तो ये रहा आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब लिखा मत करो, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको टीचमेंट पे भी रहेगा ना, अभी यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग में रहेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ इसमें देखिए टोटल 6 साइड्स होते हैं ना, 6 साइड्स अगर आप बनाएंगे, ये एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये वाला 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब रेगुलर हेक्सागोन रहेगा ना तो 6 गो जो है से आपका बनेगा समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल जो है से 60 डिग्री का होता है, तो आप देखिए कि ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी तो 60 डिग्री होगा ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। आप देखिए अगर इसको हम बराबर आर्क से अगर डिवाइड करते हैं सब अगर सेम लेंथ का, तो हम अगर ये कहेंगे कि से ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब तो सेम सेम ना डिवाइड करेगा, क्योंकि लेंथ तो सबका सेम है ना। तो ये 120 को आप के भाग में बांट दिए, 1 2 3 4, तो 120 को अगर आप 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री, इसीलिए उसको हमने 30 डिग्री पे रखा है। यस सर, मेरा एक्स वाई उतना नहीं आया, फिर गड़बड़ कर दिया कह रहा है एक्स वाई उतना नहीं आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाएगा, बढ़िया से आप कर करके देखिए। 60 न्यूटन का जो आपका कंपोनेंट है इसको हमने एक्स के डायरेक्शन में तोड़ा है, और इसीलिए हमने 120 डिग्री ले लिया, ठीक ना। जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं ना, तो आप इसका मतलब यह है ना कि से ये घूम करके इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वास्तविक में इसका कंपोनेंट का डायरेक्शन अपोजिट में आएगा, तो वैल्यू माइनस में आएगा। तो आप कॉस 120 का वैल्यू जो है आप चेक करके देखिए माइनस में आएगा, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्शन को बाय सेंस आप लिख सकते हैं, अगर आप बाय सेंस लिखते हैं तो एंगल फिर आपको इधर से लेना पड़ता है ना, तो हम जैसे उसको नहीं लेकर करके डायरेक्ट 120 रख दिए, क्योंकि माइनस ऐसे भी आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये तरीका है जिससे आपको एग्जाम में बनाना होगा अगर आएगा तो, ठीक है। अब